कट्टे का शौक पड़ा भारी। अवैध हथियारों की शौकीन युवक का सोशल मीडिया पर वीडियो हुआ वायरल, तलाश में जुटी पुलिस। आपको बता दें कि जिले में युवाओं में अवैध हथियारों को हाथों में हथियार लहराते हुए सोशल मीडिया पर वीडियो डालने का क्रेज लगातार बना हुआ है। हालांकि ऐसे क्रेज की कई बार ऐसे लोगों को कीमत भी चुकानी पड़ती है। रीवा जिले में कई युवाओं को अवैध हथियार लेकर वीडियो व तस्वीर वायरल होने के बाद पुलिस जेल भेज चुकी है, लेकिन सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। ऐसा ही एक वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है, जिसमें अवैध हथियार के साथ युवा सोशल मीडिया में पोस्ट कर रहे हैं। उन्हें किसी भी प्रकार का पुलिस प्रशासन से कोई भय नहीं लग रहा है। मामला डबौरा थाना अंतर्गत कुलदीप कोरी पिता राम सुंदर कोरी निवासी डबौरा सिंह पैलेस के पास का ये युवक बताया जा रहा है, जो अवैध कट्टे के साथ सोशल मीडिया में वीडियो अपलोड किया जो जमकर वायरल हो रहा है। इसी तरह के युवा बड़ी घटनाओं को कभी भी अंजाम दे सकते हैं। ऐसे युवा समाज के लिए भी काफी घातक हैं। फिलहाल डबौरा थाना प्रभारी की सतर्कता के चलते आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है, जिसके आर्म्स एक्ट के तहत मामला पंजीबद्ध कर उसे जेल भेज दिया गया है। वहीं इसी तरीके से हाथों में अवैध हथियार लिए एक और वीडियो सिमरिया थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम रंगौली का सामने आया है, जहां का रहने वाला श्रीनिवास साकेत नामक युवक खुलेआम कट्टा लहराते नजर आ रहा है। हालांकि मौके पर मौजूद लोगों ने उसे पकड़ भी लिया है। घटना के संबंध में मिली जानकारी के मुताबिक सोशल साइट पर वायरल हुआ ये वीडियो सिमरिया थाना क्षेत्र के ग्राम रगौली निवासी श्रीनिवास साकेत का बताया जा रहा है, जिसने गांव के ही कुछ लोगों को डराने और धमकाने के उद्देश्य से कट्टा निकाल कर तान दिया, लेकिन मौके पर मौजूद लोगों ने उसे पकड़ लिया और कट्टा भी छीन लिया। बताया गया कि श्रीनिवास साकेत गाँव का विवादित व्यक्ति है और अक्सर इस प्रकार की हरकतें करता है। श्रीनिवास साकेत का कट्टा ताने का ये वीडियो अब सोशल साइट पर वायरल हो रहा है और पुलिस ने आरोपी युवक को भी गिरफ्तार कर लिया है। फिलहाल दोनों मामलों में आरोपी अब गिरफ्तार हैं और सलाखों के पीछे पहुंच चुके हैं। परंतु इस मामले में सबसे बड़ी चीज ये है कि इन लोगों के पास हथियार कहाँ से आ रहे हैं। रीवा जिले में इन दिनों अवैध हथियारों की सप्लाई बड़ी तेजी से हो रही है, जिसपे पुलिस भी अंकुश लगाने में नाकाम है। प्रस्तुत है एडिशनल SP विवेक लाल से प्राप्त जानकारी के अंश। सिमरिया थाना क्षेत्र दो लोग आपस में लड़ रहे हैं कट्टा लिए, क्या है मामला? हाँ, ये सोशल मीडिया के माध्यम से ज्ञात हुआ है। इसमें थाना प्रभारी को निर्देशित कर दिया गया है कि उसमें अपनी वैधानिक कार्रवाई करें।